बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जवेरिया वक्कास, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सा और सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जैसे कि दो लेसें मेरे पास बची हैं, मैं इनका डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो से पहले आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। जैसे कि दो लेसों का मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि जैसे कि मैंने इस पे ना कपड़े को प्रेसिंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ ये लेसें लगेंगी। तो ये देखें, जैसे कि मैंने इस्त्री किया है इसको, ये अब मैं यहाँ से लेस स्टार्ट करूँगी। पहले ये वाली, इसको कहते हैं सेंटर सीट लेस, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि पूरी शो हो, इसलिए मैं पूरे सामने शो करके लगाऊँगी इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने लगानी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि लेस को खींच के कभी भी नहीं लगाते। जब आप खींच के लगाएं लेस को, तो उससे झोल बहुत आता है। अगर फिनिशिंग से काम लेना है तो आप ऐसा करें कि आप खींचें नहीं इसको। ये देखें, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सेंटर सीट का कुछ डिज़ाइन हमें सिखाएं, तो मैंने इसलिए ये आपको बताया है कि इस तरीके से होगा। देखें, इस तरीके से लगाना है आपने, और जितना आप इसको ढीला रख के करेंगे उतनी ही आपके काम में सफाई आती है। बहुत प्यारा सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा, कोई मेहनत नहीं है और बहुत आसान भी है ये। इसको अपन यहाँ से कट करने लगे। अब मैं आपको किंगरी लेस लगाना सिखाऊंगी। इसकी सिलाई डबल करनी है हमने। देखिए, अब इस तरीके से हमने इसको यहाँ करना है, और यहाँ से हमने इसको ले लेना है ये। फिर इसको हमने ऐसे घुमाया और इसको फिर हमने प्यार से दी कर लिया। देखिए, बिल्कुल भी खींच के नहीं लगा, और कितनी फिनिशिंग से लग रही है लेस। अगर आप खींचेंगे ये बहुत झोल देगा और खूबसूरती नहीं आएगी गाउन में। देखिए, अब हम किंगरी वाली लेस लगाएंगे, ठीक है। ये लेसें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं फैशन में। पहले भी बहुत पुराना फैशन भी है, लेकिन ये आजकल फिर चल रहा है दोबारा। तो ये देखिए, इसको जो लगाने का तरीका है वो इस तरीके से हम लगाएंगे कि इसको प्यार से हमने रखना है, क्योंकि इस लेस में झोल आता है। तो इसको हमने यूँ करके आराम आराम से करना है इस तरीके से। देखिए, इसके लाइन के ऊपर रख के करना है। फिर इसमें हम तीन प्लेटें डालेंगे ऐड। आपने कहीं इमरजेंसी जाना है और आपको डिज़ाइन समझ में ना आ रहा हो, तो इसमें हर कलर आया होता है। शॉप्स पे आप जाएं, आपको हर कलर मिलेंगे, और फिर इसका ये सिंपल सा डिज़ाइन आप बना लें। देखें, अब एक प्लेट ये यहाँ फिर डलेगा, फिर इसमें दो तीन दिन प्लेटें डलेंगे और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और रेड कलर की यहाँ पे डोरे पाइपिंग हम कर लेंगे सिंपल सी, ताकि कलर शर्ट से मैच हो जाए, क्योंकि इसकी शर्ट पे इनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इस तरीके से हमने बहुत खींचा भी नहीं है इसको, बिल्कुल सिंपल सा रखा है। देखें, ज़रा भी खिंचाव नहीं आया हमारी लेस में।
तो वैसे अगर इसकी खूबसूरती देनी होती है तो इसको आप कट लगा के कट में आधी रखें, इसको तो बहुत प्यारी लैस लगती है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा चौड़ा पाइचा बने, तो ये मैं सारी शो करूँगी। तो देखिए अब इधर से हमने इसको भी डबल कर लेना है, सिलाई को भी इस तरीके से। देखिए इसको हमने मजबूत करके बिठा दिया है इसको। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे जो लैस है वो लगाना सिखाएंगे। हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट होने वाला है, तो ये आप बाजुओं पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं, और पांचों पे भी बना सकते हैं। ये पांचे का डिज़ाइन है, ये देखें बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, कलर भी बहुत उठ रहा है इस पर। तो अब हम इस पर ये करेंगे, अब हम इस पर प्लेट्स ऐड करेंगे और ये भी हम एक सिलाई लगाएंगे। देखें अब ये कंप्लीट हो गया, अब हम इस पर वो करेंगे, प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डोरी पैकिंग करेंगे, इसके लिए हमें बोर्ड चेंज करना है ताकि हम एक प्रेसिंग में सारे काम करें। हाँ जी, ये देखें अब हम इसमें डोरी पैकिंग करेंगे। देखें इस तरीके से हमने बिल्कुल इसके साथ साथ लगानी है। देखें डोरी पैकिंग कितनी फिनिशिंग से लग रही है, इसके साथ खूबसूरत भी लगेगा डिज़ाइन और सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंपल है और इमरजेंसी डिज़ाइन सिखा रही हूँ मैं आपको। देखें इस तरीके से हमने ये कट कर लिया, अब हम इसको प्रेसिंग करके प्लेट्स डाल के लाते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी देखिए, जैसे कि मैंने इस तरीके लाइनें लगा दी, अब मैं इस तरीके लाइनों को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से पकड़ा मैंने और ये प्लेट्स बनाने का भी तरीका आपको इसमें आ जाएगा। ये देखें
अब मैं इस तरीके से वो करूंगी। जितनी किनारे में सिलाई लगेगी उतनी ही खूबसूरत प्लेट बनेगी। ठीक है, आपने ये सिलाई किनारे पे लगा लेनी है। ये प्रेसिंग से बगैर भी बनती है, लेकिन वो खूबसूरती और वो लुक नहीं आएगा। जो भी काम आप करते हैं उसको जितना प्रेस करके करेंगे उतना खूबसूरत, उतना सफाई से आपका काम आएगा। देखें, ये मैंने कट कर लिया। अब मैं दूसरी प्लेट को पकड़ूंगी इस तरीके से, ये ठीक है। इसको भी हमने इसी तरीके से करना है और गैप का हिसाब रखना है। गैप मैंने जो है वो आधा आधा इंच का लिया है। ये देखिए, सिर्फ दो दो प्लेट्स आ रही हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा वो ऊपर करते तो फिर खूबसूरती ख़त्म हो जानी थी ना इसकी, तो हमने लेवल बराबर दिया है। ये देखें, ये अब मैं दूसरी प्लेट भी इसी तरह डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब तीसरी प्लेट भी ऐसे ही डलेगी। अब ये वाला, ये हमारी आखिरी प्लेट है। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारी प्लेट्स कंप्लीट कर ली। देखिए, हो गया। हाँ जी, देखिए, जैसा कि मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, ये देखें कितना फिनिशिंग से और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत आसान डिज़ाइन था, आपके सामने जस्ट जस्ट 5 मिनट में ये रेडी हुआ है। तो आप लोग भी ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, और इसमें ये आप दामन पे भी बना सकते हैं, इसको आप बाजुओं पे भी बना सकते हैं, पाइंचे पे भी बना सकते हैं। तो मैंने ये पाइंचा बनाया है, देखें कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, सिंपल सा भी लग रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।